शादी के बाद से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी करिश्मा कपूर एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा की जिंदगी में एक बार फिर खुशियां आने वाली हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो बॉलीवुड जुवायन करेंगी तो आप गलत हैं। दरअसल करिश्मा के बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल का तलाक हो गया है। संदीप 7 साल से तलाक की ये लड़ाई लड़ रहे थे। अब संदीप अपनी पत्नी डॉक्टर अश्रिता से अलग हो चुके हैं। इसके चलते ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कपूर खानदान में फिर से शहनाई बज सकती है। सोमवार को बांद्रा फैमिली कोर्ट में संदीप ने अपनी वाइफ से तलाक ले लिया है। इसी के साथ संदीप ने अपनी 14 साल की शादी को खत्म कर दिया है। बता दें कि तलाक के समझौते के तहत दोनों बेटियों 12 और 9 साल को उनके पालन पोषण के लिए 3 से 3 करोड़ देने होंगे। वहीं संदीप आश्रिता को 2 करोड़ रुपए देंगे। इसके अलावा दिल्ली का घर आश्रिता के नाम होगा। आश्रिता अभी यहीं रह रही हैं। दोनों बेटियों की कस्टडी माँ के पास होगी। करिश्मा पिछले 3 साल से करिश्मा कपूर के साथ रिलेशनशिप में हैं। अक्सर दोनों साथ में किसी न किसी इवेंट में नजर आ जाते हैं। करिश्मा ने पिछले साल अपने पति संजय कपूर से तलाक लिया था। दोनों की शादी साल 2003 में हुई थी। करिश्मा अब अपने बेटे और बेटी के साथ रहती हैं। अब संजय ने प्रिया सचदेवा से शादी कर ली है। प्रिया भी पॉपुलर बिजनेसमैन और होटल मालिक विक्रम चटवाल की पत्नी रह चुकी हैं।